की पहले जुमले से लेके आखिरी जुमले तक एक जैसी होनी चाहिए। साढ़े 12 करोड़ अमरीकियों तक पहुंचा है। तो मुझे आ गया फेसबुक भी था, अमरीकी जो थे वो 12.5 करोड़ थे। मीडिया माइंस के प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत कराची में 2 हफ्ते की ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया, जिसमें कोहिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ग्रुप मेंबर्स को विजुअल एडिटिंग, फाइनल कट प्रो और वॉइस ओवर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई। वापस स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग पर आए सहाफियों ने अपने शोबे की नई टेक्निक्स को सीखने में खासी दिलचस्पी का इजहार किया। यही वजह है कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद कुछ सहाफियों ने आवाज की दुनिया और विजुअल से खेलने का हुनर सीख लिया, तो कुछ सहाफियों को इतना अंदाजा जरूर हो गया कि वॉइस ओवर और एडिटिंग ऐसे शोबे हैं जो लाइफ टाइम प्रैक्टिस का तकाजा करते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपने शोबे के तजुर्बेकार प्रोफेशनल्स ने मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर किया। वॉइस ओवर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सहाफियों को 8 सेशंस करवाए गए। पहले सेशन में मीडिया प्रोफेशनल शबाना सैयद ने ट्रेनिंग के शुरका का वॉइस टेस्ट लिया और वॉइस ओवर बेसिक्स की ट्रेनिंग दी। दूसरे सेशन में सहाफियों को वॉइस ओवर टेक्निक्स बताई गईं, जबकि तीसरे सेशन में आईवीआर टेक्निक्स के साथ अमली तौर पर वॉइस ओवर्स की प्रैक्टिस भी करवाई गई। सहाफियों की अमली तरबियत के लिए मीडिया प्रोफेशनल एहसान अहमद ने अपने सेशंस के दौरान ट्रेनिंग के शुरका को आवाज और स्क्रिप्ट दोनों हवाले से तरबियत फराहम की। वॉइस ओवर्स के एग्जाम और स्कोप के हवाले से कोहिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अरकान को एंकर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट अशर आलम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। साथ ही साथ आवाज़ बेहतर बनाने की एक्सरसाइज भी वॉइस ओवर ट्रेनिंग का अहम हिस्सा रही।